देखिए राजभवन उद्यान खुल चुका है जिसका इंतजार साल भर रांची वासियों को होता है और ये उद्यान 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक आम लोगों के लिए खुला है। आम लोगों की भीड़ जो है वह आप उद्यान में देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के बीच कितना उत्साह है और ये एक लंबी कतार लगाकर ये जो है वो राजभवन उद्यान घूमने पहुँचे। कहाँ से पहुँचे हैं? काके से। काके से कैसा लगा घूमा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या क्या पसंद आया जो रांची में आम तौर पर देखने को नहीं मिलता? यहाँ फ्लावर है, हर तरह का फूल है। बच्चे के साथ आए हैं, क्या देखा आपने? फ्लावर। कौन सा फ्लावर सबसे अच्छा लगा आपको? रोज। रोज अच्छा लगा। चलिए आपको बता दूं कि 150 तरह के गुलाब जो है वो इस उद्यान में लगे हुए हैं। तो आप अगर किसी भी गुलाब की वैरायटी नहीं जानते, उसके साथ नाम भी नीचे लिखा हुआ है, तो आप यकीनन आपको ये उद्यान पसंद आएगा। और भी लोग हैं यहाँ पर, कैसा लगा उद्यान? घूम रहे हैं, पहली बार आए कि इससे पहले भी आ चुके हैं? कैसा लगा? क्या कुछ खासियत है उद्यान की जिसका इंतजार सालों भर से होता है? बस एक तरह तरह के फूल है यहाँ, उसी को देखने लोग आते हैं। कहाँ से हैं आप? अड़गोड़ा से। लंबी लाइन लगी हुई है बाहर, तो लाइन लग कर बहुत लाइन है। हाँ, लाइन में लगे थे। इंतजार करना पड़ा एक घंटा। लेकिन हर साल इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है कि हर साल की तरह इस बार भी वही रूल रेगुलेशन बस चेंज हुआ है? जैसे कि ये आधार कार्ड लेके आना, फिर टाइम फिक्स हो गया है 3 बजे तक। पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था। पहले आप शाम तक घूम सकते थे। हाँ। चलिए, तो इसलिए भी लंबी कतार है। हाँ। क्या क्या देखा आपने, क्या क्या और पसंद आया? अभी तो हम जस्ट घुसे ही है कुछ देर पहले, तभी तो बाकी है घूमना। बस यहाँ पर देखिए हर वर्ग के लोग जो है यहाँ घूमने के लिए आते हैं और सभी के बीच अलग उत्साह देखने को मिलता है। फ्लावर्स की वैरायटी है यहाँ पर, गांधी जी का चरखा है यहाँ पर, स्कूली स्टूडेंट्स जो है उन्हें भी यहाँ पर घूमने के लिए लाया जाता है, परिवार भी है। कहाँ से आई है मैम? हम रांची के ही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संगीता। और कैसा लगा राजभवन उद्यान? साल भर का इंतजार रहता है, खुल गया। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स फील हुआ, नीट एंड क्लीन है, सिक्योरिटी भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है और सबसे बड़ी बात है रिलैक्स फील किए आपको। अच्छा, फ्लावर्स की वैरायटी भी काफ़ी है यहाँ पर, आपने घुमा देखा, कौन सी वैरायटी आपको पसंद है? तो रोज़ ही है, बहुत तरह के है रोज लगे हुए हैं, वही सबसे अच्छा लगा। बाकी तो सीजनल जो फ्लावर लगाए हैं तो वो सब तो है ही अट्रैक्टिव। रांची में काफ़ी जगह है घूमने का, लेकिन ये स्पेशली हम लोग का मतलब इंतजार रहता है कि खुले। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो काफ़ी सारा एंजॉय किए हूँ हस्बैंड के साथ। आप भी पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार हूँ। मतलब 6 से 12 खुला है तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी सफाई है और वेदर अच्छा है, धूप है, काफ़ी खुला हुआ और भीड़ वगैरह अच्छा लग रहा है। स्कूल के बच्चे हैं ना तो थोड़ा रौनक है, लग रहा है कि हाँ मौसम भी अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है, तो हर दृष्टि से। मेरा नाम आशीष डे। तो ये देख सकते हैं कि मौसम भी बेहतर है और लोगों को इंतज़ार जो है वो साल भर रहता है और इंतज़ार आप देख सकते हैं कि एक लंबी लाइन जो है वो बाहर गेट के पास लगी हुई है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर वहाँ पर डिटेल्स अपनी लिखिए, आधार कार्ड के साथ आपको यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे ताकि राजभवन उद्यान में आने वाले लोगों की गिनती हो सके। पहले दिन लगभग 3,000 के लोग आए थे, लेकिन दूसरे दिन और तीसरे दिन इसकी संख्या में तिगुना इजाफा हुआ है। ऐसे में 12 तारीख तक उम्मीद है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो इसी तरह से लगे रहेगी और आप भी आइए राजभवन उद्यान का आनंद लीजिए, घूमिए। 150 तरह के ये फूलों की जो वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है, तो सभी के लिए मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। आप जरूर आए और साल में एक बार इस उद्यान का आनंद जरूर लें। फिलहाल प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।